दोस्तों, बात गांव की होती है तो एक अलग अनुभूति होती है। गांव यानी भारत की आत्मा। महात्मा गांधी जी ने भी कहा कि भारत गांव में बसता है। गांव में भारत बसता है या नहीं, पर अपना तो मन ही गांव में बसता है। जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बचपन मैंने अपने गांव में बिताया है। तो गांव को, अपने गांव को याद करते हुए एक कविता लिखी, वो सब आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। उससे पहले एक आग्रह, YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कविता पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करें। तो प्रस्तुत है आज की कविता, मेरे गांव की शाम। शाम सुहानी आती होगी मेरे गांव में, शाम सुहानी आती होगी मेरे गांव में, सूरज अपनी किरणें समेटे। शाम सुहानी आती होगी मेरे गांव में, सूरज अपनी किरणें समेटे पहाड़ के पीछे जाता होगा। सूरज अपनी किरणें समेटे पहाड़ के पीछे जाता होगा, शीतलता फैलाते फैलाते चन्ना मामा आता होगा। नदी किनारे सांझ ढले मोहन वंशी मधुर बजाता होगा, शाम सुहानी आती होगी मेरे गांव में। पीपल वाले कुएं पे पानी भरने, पीपल वाले कुएं पे पानी भरने मेरी दीवानी आती होगी, चूल्हा चेताने अम्मा मेरी जंगल से लकड़ी लाती होगी, चूल्हा चेताने अम्मा मेरी जंगल से लकड़ी लाती होगी। मंदिर से घंटे की ध्वनि सुन माँ संझा बाती करती होगी, मंदिर से घंटे की ध्वनि सुन माँ संझा बाती करती होगी, शाम सुहानी आती होगी मेरे गांव। पीपल वाले कुएं पे पानी भरने मेरी दीवानी आती होगी, पीपल वाले कुएं पे पानी भरने मेरी दीवानी आती होगी, चूल्हा चेताने अम्मा मेरी जंगल से लकड़ी लाती होगी। धूल हवा में उड़ती देखो, धूल हवा में उड़ती देखो चरवाहे गायों को ले आते होंगे, धूल हवा में उड़ती देखो चरवाहे गायों को ले आते होंगे, अपनी माँ की बाट जोहते बछड़े खूब रमाते होंगे, अपनी माँ की बाट जोहते बछड़े खूब रमाते होंगे। आज के प्रदूषित वातावरण में सच्चे सुख मेरे गांव में मिलते होंगे, शाम सुहानी आती होगी मेरे गांव में, शाम सुहानी आती होगी मेरे गांव में। दोस्तों, कविता पसंद आई तो शेयर करें, लाइक करें। फिर किसी और कविता के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।